कौन सी बार आ रही हो आप मंदिर में? मैं चौथी बार आई है। चौथी बार आ रही हूँ। भाई लोग अभी पहुंच चुके हैं शीतला माता के मंदिर में और यहाँ देख लो आप भी, ये आ गए शीतला माता के मंदिर में। यहाँ बोल शीतला मैया की जय। तो फिलहाल मैं यहाँ आ चुका हूँ और अभी चलते हैं माता के मंदिर में, अंदर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे। लेट्स गो। मंदिर के प्रांगण में अभी हम पहुँच चुके हैं और अभी अभी मतलब आज रात का टाइम है और टाइम अभी 9:30 का टाइम हो चुका है। थोड़ी देर 10-10:30 बजे तक मंदिर भी बंद हो जाता है। चलते हैं अंदर। हवा में पिकअप में लटक के आया हूँ, क्यों साधन नहीं मिला था मेरे को इसलिए। यहाँ से चलते हैं अंदर, चल कर आपको दर्शन करवाते हैं माता के। कम ऑन लेट्स गो। दोस्तों मंदिर में हम एंट्री कर चुके हैं और सजावट देख लो आप भी कितनी अच्छी है माता रानी के दरबार में। ये शीतला माता के मंदिर के मेन जो है माता के उसमें हम आ चुके हैं। जय हो शीतला मैया की जय। अभी यहाँ शीतला माता विराजमान है साक्षात और यहाँ आप चारों साइड देखेंगे तो इधर नारियल वगैरह और सारी चीज़ें जो होती है प्रसाद वगैरह वो इकट्ठा कर दिया जाता है। इधर से मेन गेट है, इधर से एंट्री करते हैं। लेकिन रात का टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं है। शीतला माता के यहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि अभी रात का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जोत का स्थान और यहाँ होता है जोत का स्थान जो कि आप सामने देख रहे हैं, ये जोत का स्थान है। इधर यहाँ चूगा डाल देते हैं, ये बहुत पुराना नीम का बहुत बड़ा पेड़ है जो कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से जोत के स्थान से फिर हम चलेंगे काली माता के, भैरवनाथ के, सब जगह तो आपको सब जगह दिखाएंगे। अभी चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। धीरे धीरे सब सभी चीज़ों का दर्शन करवाएं क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है। बाकी मैं जब भी दिन में आता हूँ तो भीड़ बहुत मिलती है यहाँ पे। कौन सी बार आ रही हो आप मंदिर में? मैं चौथी बार आई है। चौथी बार आ रही शीतला माता के दर्शन करने के बाद बाहर कुछ ऐसी सजावट कर रखी है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ शीतला माता का मुंडन हॉल है और कृष्ण तालाब भी यहीं पे ही है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है। सामने काली माता है। अभी चलते हैं भैरू बाबा के पास काली माता के दर्शन करने के बाद और यहाँ दिखाते हैं बाबा भैरू बैठे हुए हैं। बोल बाबा भैरू की जय। जय हो, जय बाबा भैरवनाथ। गाइज मतलब अभी 9:30 का टाइम होने वाला है लेकिन मंदिर में रात के टाइम इतनी भीड़ मेरे को इस बार मिली नहीं है, तो आप भी देख लो वरना ये पूरा वहाँ तक भरा हुआ रहता है। और मेरे हाथ में ये प्रसाद की थैली है और अभी चल रहे हैं चौगानन माता के और सेठ मसाणी माता के अब चलेंगे। तो अभी मंदिर बंद होने का टाइम भी हो रहा है तो जल्दी से फटाफट निकलते हैं यहाँ से, फटाफट चलते हैं। चलो लेट्स गो, कम ऑन। पुलिस याद करा, नमस्ते करो। तो यहाँ से अब दर्शन करके हम निकल चुके और मीत ने भी मतलब मित्र बना ही लिया आखिरकार पुलिस वाले। ये सैनक है जो कि हम चौगानन माता के अभी चढ़ा देंगे और अब ये जो सामना आप देखेंगे वो चौगानन माता है यहाँ पे। जय हो। यहाँ से बांस के डंडे लगा रखे हैं क्योंकि भीड़ हो जाती है उसके लिए। तो अभी पहुँचते हैं सटासट अपन माता के दरबार में। अंदर वीडियो मत बना दे भाई, फोन छीन लेगा अंदर। चलिए
मसाणी माता के दरबार में शीशे का वर्क किया हुआ है दीवारों पे, जो कि बहुत ही यूनिक लगता है। यहाँ आप कभी भी यहाँ आते हैं देखेंगे तो चारों साइड शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से दीवार पे वर्क किया हुआ है, जो कि ये सामने दिख रहा है। इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ CCTV कैमरे का फुटेज आता है। यहाँ टाइम हो चुका है 10 बजने वाला लगभग। ये पापा देखते हुए जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो देखते जा रहे हैं कहाँ पर क्या कैसा है। जय तो दोस्तों, अभी दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं घर, और ये रात का कुछ ऐसा नज़ारा है रोड का। आपको कैसा लग रहा है और आपको माता रानी के दर्शन करके कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी अरदास अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपने घर बैठे बैठे इस व्लॉग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहीं से माता रानी को अपनी अरदास लगाएं। बाय बाय, अब चलते हैं घर।